हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग का फोर्थ डे है कोडाईकनाल में एंड टुडे वी आर अबाउट टू चेक आउट एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऊटी। यस, सो हम शाम को ऊटी के लिए निकलेंगे और अभी हमारा 11-12 बजे को चेकआउट है। उसके बाद हम फिर से कोडाईकनाल, हमारे पास शाम तक टाइम एक्सप्लोर करने के लिए, हम वो करेंगे एंड फिर उसके बाद ऊटी के लिए निकलेंगे। रेडी टू से गुड बाई टू दिस रूम? नो, एक्चुअली इट्स वेरी कोजी एंड वेरी नाइस रूम, आई डोंट वांट टू लीव इट। बाय रूम, टाटा। सो लेट्स चेक आउट। वी आर चेकिंग आउट, अभी हम निकल रहे हैं एंड अभी फिर भी हमारे पास आज का दिन ऑलमोस्ट है घूमने के लिए। और वैसे भी मेरे को आपको एक चीज बतानी थी कि कोडाईकनाल में आपको प्लास्टिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो दे आर लाइक ट्राइंग टू मिनिमाइज, या सो दे आर लाइक ट्राइंग टू मिनिमाइज प्लास्टिक यूज एज मच एज पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पे आपको वो 10 रुपए वाली और 20 रुपए वाली पानी की बॉटल नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको सीधा 5 लीटर की लेनी पड़ेगी। सो बहुत सारी जगहों पे जैसे कोकोनट वाटर पियोगे तो स्ट्रॉ नहीं मिलेगा प्लास्टिक का, सो ऑल ऑफ दैट। तो ये कोडाईकनाल में हमने एक्सपीरियंस किया तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी बहुत लगेज लेके घूम रही हूँ तो मैं हाफ रही हूँ। चलो लेट्स गो एंड डू समथिंग। एक्साइटमेंट और घाई में अपना बैकपैक इधर ही रख के मैं निकल गया। वाओ, अभी जस्ट जाके बैग वहां से लेके आया। मैं फोटो खींचते टाइम बैग उतर रख दिया था। नसीब से बैग मिल गया। लेट्स गो। वेरी नाइस स्टेप, देखा तुमको जब से। चेकआउट कर दिया है अभी, बट वी स्टिल हैव वन होल डे टू एक्सप्लोर, क्योंकि हमारा हम ऊटी जा रहे हैं इसके बाद। तो इसके लिए हमारी जो बस है वो शाम को है, तो वी हैव वन होल डे लेफ्ट टू एक्सप्लोर ऊटी कोडाईकनाल एंड नाउ वी आर साइकिलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। आई थिंक कोडाईकनाल में एक्सप्लोर करना साइकिलिंग इज द बेस्ट वे, राइट? येस। सो यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने ये क्यों पहना है साइकिलिंग। सो दिस इज, ये साइकिलिंग करने वाला हूँ मैं अभी। देखो साइकिल्स हम लोग के रेडी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 साइकिल्स। बट यहाँ पे इतनी ठंडी है ना गाइस कि हम लोग ऐसे दो मतलब आधे आधे घंटे में चाय या कॉफी पीने का मन करता है। तो अभी हम हॉट चॉकलेट पी रहे हैं और मोमोज खा रहे हैं। मेरे को नहीं पता कि साउथ में मोमोज कैसे लगेंगे, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। येस, एंड वेदर बहुत मस्त है, तो बहुत मजा। आज धूप है थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि 10 डिग्री में गाइस नहीं जमता है, बहुत आइस कोल्ड हो जाता है सब कुछ। अभी 15 डिग्रीज है और थोड़ा सा धूप भी है, तो अच्छा वेदर है आज। ओके, सो गाइस दिस आर चिकन चीज मोमोज। सो बहुत ही टेस्टी मोमोज था एंड द हॉट कॉफी भी। तो अगर आपको आना है तो प्लीज यहाँ पे हॉट चॉकलेट तो बहुत टेस्टी था एंड द मोमोज आर आल्सो लवली। मजा आ गया मुझे। फ्रॉम मुंबई, यहाँ पे स्पाइसी वाला होता है मोमोज, तो जिसको ऐसे थोड़ा स्पाइसी चीजें पसंद है उसको बहुत अच्छा लगेगा। एंड मोमोज आर कलर वाइज, नो, सो इफ इट इज वेज इट इज ग्रीन एंड इफ इट इज नॉन वेज इट इज रेड। यस, सो ये आंटी ने बनाया। आंटी से हाय। हाय। यस, सो द स्टॉल नंबर ओवर हियर इज 138। यस, तो आपको आना है तो प्लीज यहाँ पे आइए। आंटी बहुत सेक्सी मोमोज बनाती है। थैंक यू सो मच आंटी फॉर सच गुड फूड। नंद्री, एवरीथिंग वाज नो रोम्ब नल्ला इरका। ओके, थैंक यू। सो गए
गाइज अभी भी हम लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं एंड अभी तक हमने गेम्स ये सब खेले, बहुत कुछ टाइम पास किया एंड फिर 3-4 बजे के बाद यहाँ पे इतना ठंडी बढ़ जाता है कि ज़रा भी बैर नहीं होता है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा टाइम पास करूँ, अभी बस हमारी 10-15 मिनट में आ जाएगी और ये भाई साहब बैठ के एडिट कर रहे हैं कल का ब्लॉग। हम वन डे एक्चुअली लेट है इस बार, बट कोई नहीं, ठीक है, वो एडिट कर रहा है एंड हम बस अभी जाएंगे ऊटी के लिए निकलेंगे एंड हम पहुंचेंगे कल सुबह। सो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचने वाले हैं, तो लेट्स सी हमारा क्या प्लान है। बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें अनप्लान्ड है, तो वील कीप यू गैस अपडेटेड एंड वील सी यू आफ्टर सम टाइम।